हेलो गाइस, आई एम अक्षर रावत फ्रॉम स्लॉग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे ऑटोकैड में बिगिनर से कुछ कॉमन डाउट्स जो होते हैं उनके बारे में। तो सबसे कॉमन डाउट जो होता है बिगिनर्स का ऑटोकैड में, जब भी वो काम करते हैं, ये जो कमांड एरिया होता है ये उनकी स्क्रीन से गायब हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि गलती से उनसे जो ये क्लिक हो जाता है इस क्लोज के ऊपर और इसके बाद वो यस पे क्लिक करते हैं, तो ये जो कमांड एरिया होता है वो मिसिंग हो जाता है ऑटोकैड की स्क्रीन से। तो इसके बाद वो कोई भी कमांड अगर यहाँ टाइप करते हैं तो वो यहाँ पे उन्हें शो नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं होता है वो इस टाइम किस कमांड के अंदर हैं। तो अगर इस कमांड एरिया को वापस लाना है तो इसका शॉर्टकट होता है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+9। तो अगर आप कीबोर्ड पे एंटर करते हैं Ctrl+9 तो ये जो आपका कमांड एरिया होगा ये फिर से वापस आ जाएगा, और इसके बाद आप किसी भी कमांड को टाइप करते हैं तो आपको वो कमांड इसके अंदर शो होगी। इसके बाद जो एक और जो कॉमन डाउट होता है बिगिनर्स के साथ, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो होता है कि उनके पास जो ये यहाँ पे होता है फाइल टैब, ये मिसिंग हो जाता है। तो इसके बाद अगर वो यहाँ से न्यू फाइल को ओपन करना चाहें तो वो यहाँ से नहीं कर पाते हैं। तो इस डाउट को, एक तो ये कॉमन डाउट होता है, उसके अलावा ये मॉडल टैब और लेआउट टैब, ये दोनों टैब भी यहाँ से बहुत बार मिस हो जाते हैं। तो लास्ट में उन्हें अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद अगर उसे लेआउट करना हो तो वहाँ पे भी प्रिंट करते टाइम उन्हें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसे वापस लाने के लिए क्या करना होगा, पहले मैं आपको बता दूं वो मिस कहाँ से होता है। इसके लिए आपको यहाँ से जाना होगा एप्लीकेशन मेन्यू में, जो ये ऑटोकैड का लोगो दिखाई दे रहा है इसे एप्लीकेशन मेन्यू बोलते हैं। उसके बाद आपको जाना होगा यहाँ से ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस पे यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोकैड में आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी। उस विंडो में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, आपको उसमें जाना होगा सबसे पहले डिस्प्ले में। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आपसे अगर ये अनचेक हो रखे होंगे डिस्प्ले फाइल टैब्स, और यहाँ से दूसरा डिस्प्ले मॉडल लेआउट एंड मॉडल टैब्स, अगर ये दोनों अनचेक हो रखे होंगे और आपने इसे ओके कर दिया होगा तो ये दोनों टैब आपके यहाँ से मिसिंग होंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, दोबारा से ऑप्शंस में एप्लीकेशन मेन्यू में जाना है, उसके बाद ऑप्शंस में जाना है, और उसके बाद जो दोबारा से वो विंडो ओपन होगी उस विंडो में आपको फिर से डिस्प्ले में जाना है, और डिस्प्ले के अंदर आपको फिर से डिस्प्ले लेआउट एंड मॉडल टैब्स को चेक करना है और डिस्प्ले फाइल टैब्स को चेक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना, और फिर क्या होगा, आपका जो दोबारा से डिस्प्ले फाइल टैब्स भी आपको शो होगा और यहाँ से आपको मॉडल एंड लेआउट टैब्स भी शो होगा। तो आई होप आप लोगों का ये दोनों जो डाउट थे क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।